हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ साथ एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड में अभी क्या चल रहा है, कैसा प्रोग्रेस है, इसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी खतरे में है या नहीं, ऐसे करके आप बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल हमें कर रहे हो, उन सभी चीज़ों का जो है जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो एनआईओएस डीएलएड को क्या क्या चीजें चल रही हैं, हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को जो जरूरी चीजें होती है वो अपडेट करते रहते हैं। केसेस के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है फाइल किया जाना है और एक रिव्यू जो है वो फाइल किया जाना है, जो कि आपको इस वीक में, इस हफ्ते जो है देखने को मिल जाएगा। ये एनआईओएस डीएलएड में जो है प्रोग्रेस अभी चल रहा है। हम पहले बात कर लेते हैं जिसके आज जिस केस की सुनवाई होने वाली है, होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जो सुनवाई होने वाली थी इसमें क्या चीजें निकल कर सामने आई हैं, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। इसकी ये सुनवाई आप देख सकते हो आज के डेट में 31 जो है सीरियल नंबर पे जो है सुना जाना था। इसमें अभी पूरी क्लियर तौर पे जो है चीजें नहीं निकल कर आई हैं, कुछ आधी अधूरी जानकारी है जो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन एक डिटेल वीडियो जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का, उसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन हुआ, कौन कौन सा पॉइंट्स रखा गया और ये एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में जा रहा है या नहीं, ये आपको शाम तक जो है मिलेगा। अभी फिलहाल इसके बारे में ये जानकारी आ रही है कि नेक्स्ट डेट मिल गया है और ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे बहस हुआ है, जो चीजों को रखा गया है बहुत ही जोरदार तरीके से रखा गया है। ये सारी चीजें अभी सुनने में ही आ रही है, कंफर्मेशन हम आपको कोर्ट ऑर्डर के बाद अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सुनवाई डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट थी, जिसके बारे में आपको पता है कि इसमें किस तरह से एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो एनआईओएस डीएलएड के सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित किया गया है, उसके लिए जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि जो बीपीएससी TRE-1 में जिन एनआईओएस डीएलएड के बच्चों का हुआ है, क्या वो सेफ है या नहीं सेफ है। सबसे पहली चीज बता देती हूं मैं कि ये एनआईओएस डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अनसेफ तो बिल्कुल है कि जब तक इसमें और दूसरा कोई डिसीजन नहीं आ जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें अभी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे एक रिव्यू का काम चल रहा है, जो रिव्यू जो है दायर किया जाना है, और दूसरा जो है एक फ्रेश केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाना है, वो दो चीजें इसमें अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आप बोल रहे हो कि क्या हमें अभी निकाल दिया जाएगा, क्या हमें हटा दिया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, तो अभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि स्टेट भी अब इन सभी, क्योंकि पहले की ये वैकेंसी है तो इसमें अब जल्दी से जो है इसमें कोई एक्शन नहीं लेगी, अगर इस चीज में, इस प्रोसेस में जो है काम अगर हो रहा है तो, जैसे कि हमने आपको बताया। तो अभी थोड़ा सा आप लोग के पास टाइम है, बस इसीलिए बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है केस फाइल होगा, तभी जा करके वहां से चीजें जो है क्लियर होने लगेंगी और जो जो भी डिसीजन होना है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जो जो बच्चे अभी जॉब में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से चीजें होती है ये क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी जो है स्टेट अपना डिसीजन नहीं लेगी आपको हटाने के लिए, पहली चीज। दूसरा जो आप लोग का क्वेश्चन कर रहे हो कि कब तक ये मामला जो है सुलझ जाएगा, कब तक जो है मान्यता मिल जाएगी, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये सारे चीजें जो है कोर्ट में जा रही है, केस हो रहा है, तो केस में टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। ये भी पूछ रहे हो कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज है अगस्त में, जो बीपीएससी TRE-3 है, क्या हम उसमें भर पाएंगे फॉर्म या नहीं, हमें अलाउ किया जाएगा या नहीं। तो हम सब जो है यही प्रे कर रहे हैं कि आप लोग को अलाउ किया जाए, लेकिन एटलीस्ट एक भी हियरिंग अगर कोर्ट में हो जाती है
ये जब केस फाइल हो जाता है और कोर्ट में हियरिंग होती है तो उसके बाद हमारे पास जो है एक थोड़ा सा सिनारियो क्लियर होगा कि हाँ ये केस किस साइड जा सकता है या जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बस पेशेंस रखना है और जैसे कोई अपडेट होगा आप सब जानते हो कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल इसमें यही अपडेट है और ये जो आज का केस की जो सुनवाई हुई है, जब कोर्ट ऑर्डर आएगा उसमें हम डिटेल से सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए जो है आपको बताएंगे कि किन किन चीजों पर जो है डिस्कशन हुआ है। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन।